Like a Hellcat. Good morning, class 9. Today we'll discuss exercise 10.5. देखिए एक्सरसाइज 10.5 में हमने एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क पढ़नी है, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। देखिए ये क्या है आपके पास, एक सर्कल, और ए बी क्या है इसकी एक आर्क। सर्कल का अगर हम कोई पार्ट उठा लेते हैं दैट बिकम्स इट्स आर्क, तो ए बी इसकी माइनर आर्क है, ठीक है। अगर हम ऐसे देखें तो ये इसकी क्या होगी, मेजर आर्क। तो हम एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है जी। ए बी माइनर आर्क है, ठीक है। अगर मैं सेंटर से इस आर्क के एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देती हूँ तो दिस ए ओ बी इज एंगल सबटेंडेड बाय दिस ए बी आर्क, ठीक है। और अगर इसको हम इस तरफ शो करते हैं सो एंगल सबटेंडेड बाय मेजर ए बी आर्क, ठीक है। ये आपका मेजर ए बी आर्क से एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर, और ये आपका माइनर ए बी आर्क से सेंटर पर एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है। अब इसी पर आपकी एक थ्योरम है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। हमने के बी आर्क ली, ये सेंटर पर एंगल बना दिया, ठीक है। दिस इज द सेंटर, ये एंगल बना दिया सेंटर पर, ठीक है। इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो रिमेनिंग पार्ट कौन से है सर्कल के, ये ए बी आर्क है एंड दिस होल इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। तो ये ए बी आर्क सेंटर पर एंगल बना रही है, दिस ए ओ बी, और रिमेनिंग पार्ट पर कौन से एंगल बना रही है, दिस ए सी बी। तो वो क्या कह रहा है कि सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो रिमेनिंग पार्ट पर बनने वाले एंगल का क्या रहेगा, डबल रहेगा। तो यानी अगर यहां एंगल एक्स बन रहा है तो यहां पे क्या बनेगा, टू एक्स, ठीक है। सपोज यहां एंगल अगर 30 का बन रहा है तो सेंटर पर कितना हो जाएगा, डबल, 2 × 30 दैट इज 60, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको सेंटर पर बनने वाला एंगल दिया हुआ है, सपोज ये एंगल आपको दिया हुआ है 70, ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट कहीं भी बन सकता है रिमेनिंग पार्ट पर, कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल इस तरफ बनेगा, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो सेंटर पर एंगल अगर आपका 70 बन रहा है तो रिमेनिंग पार्ट पर कितना रहेगा, कितना रहेगा, सेंटर पर एंगल डबल बनता है तो रिमेनिंग पार्ट पर क्या बनेगा, हाफ, ठीक है ना। जैसे रिमेनिंग पार्ट पर 30 था तो सेंटर पर आकर हमने क्या किया था, उसको डबल किया था। तो ऐसे ही जो एंगल सेंटर पर बन रहा है और मुझे रिमेनिंग पार्ट पर निकालना है तो मैं उसका क्या कर दूंगी, हाफ, यानी ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 35, ठीक है। अगर ये दिया है तो सेंटर पर निकालने के लिए डबल करेंगे, और अगर सेंटर का दिया है तो रिमेनिंग पार्ट पर निकालने के लिए हम उसका क्या करेंगे, हाफ, ठीक है। अब यहीं से हमारे पास एक और बात आती है, सपोज ये एंगल है, एक एंगल ये है, देखिए ये भी ए बी आर्क से बन रहा है, इस एंगल के भी एंड पॉइंट्स कहां आ रहे हैं, ए पर और बी पर, तो ये भी सेंटर का क्या बनेगा, हाफ, ये 70 है तो ये कितना देगा, 35, सेंटर पर बनने वाले एंगल का जो है वो क्या हो जाएगा, यहां पे बनने वाला एंगल हाफ, ये 70 है तो ये हो गया 35, ठीक है। अब यहां से हमारे पास एक और बात आ जाती है, दैट एंगल इन सेम सेगमेंट। देखिए ये भी है, अगर मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर दूं तो आपके पास सेगमेंट बन जाएगा दिस, दिस इज माइनर सेगमेंट एंड दिस इज मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। तो ये एक ही सेगमेंट है ना, एक सेगमेंट ये हो गया और एक सेगमेंट ये हो गया। तो हमें यहां से एक और बात पता चली कि एंगल मेड इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अगर एक ही सेगमेंट में सेम आर्क्स एंगल बन रहे हैं देन दीज एंगल्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है, सेम आर्क से बनने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं हो, सपोज आपके पास ये ए बी आर्क है, ठीक है, इस ए बी से यहां एक एंगल बन गया, दिस इज अ सेगमेंट, एक ये मेजर और ये माइनर, मेजर में एक एंगल ये बन गया, ठीक है, और एक एंगल ये बन रहा है,
सपोज, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं होंगे, दीज आर नॉट इक्वल. क्यों? क्योंकि एक एंगल आपका ए बी से बन रहा है, ठीक है, और दूसरा किससे बन रहा है, ए सी से, ठीक है जी. तो एक सेगमेंट में बनने वाले एंगल पर होने चाहिए सेम आर्क से, देन दे आर इक्वल. ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास साइक्लिक कोऑर्डिनेट. साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है आपके पास? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल इट वर्टिसेस ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर. ठीक है जी, जैसे हम बात करें इस तरह से, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना दिया सर्कल में, ए बी सी डी. तो इसके चारों वर्टिसेस कहाँ हैं? सर्कल पर हैं. देयरफोर ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर. ठीक है जी, so cyclic quadrilateral is a quadrilateral having all its four vertices on a circle. अब इसमें हमारे पास एक थ्योरम बन जाती है cyclic quadrilateral में, that the sum of the either pair of opposite angles in a cyclic quadrilateral is 180. यानी कि cyclic quadrilateral के opposite angles पे चलते हैं, opposite जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने होते हैं. जैसे A के सामने कौन है? C, और B के सामने कौन है? D. ठीक है जी, डी के सामने कौन है? डी. तो सम ऑफ आइदर पेयर, दो पेयर बन रहे हैं मेरे पास, एक ए और सी, एक बी और डी. तो दोनों पेयर्स अपोजिट साइड, ठीक है जी, दोनों पेयर्स का अपोजिट एंगल्स के दो पेयर बन रहे हैं ए सी और बी डी, तो दोनों का सम क्या होगा? 180. इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180, चाहे वो इस तरह से बने चाहे वो इस तरह से बने. ठीक है, वाइस वर्सा कि अगर सर्कल पर आपका एक क्वाड्रिलेटरल है और उसके अपोजिट एंगल्स का सम क्या है? 180. देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल, बेशक आपको सर्कल ना शो हो रहा हो, देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल और उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 आ रहा है, देन इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, वन मोर रिजल्ट इज हियर. सपोज दिस इज अ सर्कल, अब अगर मैं इसको डायमीटर से डिवाइड करूं तो सर्कल के दो पार्ट्स बन गए, सेमी सर्कल, दिस इज आल्सो सेमी सर्कल. तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल कितने के होते हैं? 180. दिस कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. ठीक है, तो ये एक ए बी आर्क भी है आपके सर्कल का. ठीक है, देखिए ये 180 है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा? 180. अगर सेंटर पर एंगल 180 बन रहा है तो रिमेनिंग पार्ट पर क्या बनेगा? उसका हाफ. ये 180 है तो ये कितने का हो जाएगा? 90. तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है दैट एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 degrees और अ राइट एंगल. ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स हैं, इन्हीं रिजल्ट्स के बेस पे आपकी एक्सरसाइज है 10.5. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 10.5 का. यहाँ आपको ए सी है ओवर डी और यहाँ आपको बी दिया है. ठीक है, इस तरह से गिवन है, ये एंगल 60 degrees है, ये एंगल आपके पास 30 degrees है, यानी टोटल कितना हो गया? 90. सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है? 90. तो रिमेनिंग पार्ट देखिए सेम होने चाहिए, ये इस तरफ है तो ये भी इस तरफ, ये 90 है तो यहाँ एंगल कितने का बनेगा? हाफ, दैट इज 45. दैट एंगल ए डी सी इज हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी. ठीक है, एंगल ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल
part of circle is half the angle made on center. कि सेंटर पर आपका जो एंगल बन रहा है रिमेनिंग पार्ट पर बनने वाला एंगल उसका हाफ होगा. ठीक है जी. तो AOC कितना बन रहा है आपके पास 90, तो ADC कितना आ गया 45. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. अ कोण ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस. इसकी फिगर आपको खुद से बनानी है. एक सर्कल आपको दिया गया है और क्या कह रहा है वो कि सर्कल का जो कोण है वो रेडियस के इक्वल है. सपोज ये कोण है सर्कल का, ये आर रेडियस है और जो कोण है वो भी किसके इक्वल है, रेडियस के ही इक्वल आपको दिया गया है. ठीक है. तो आप देख सकते हैं ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो गई. ये भी रेडियस, ये रेडियस एंड कोण इज ऑल्सो इक्वल टू रेडियस. दैट ऑल द थ्री साइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल. सो इट बिकम्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. And in an equilateral triangle, each angle is of 60 degree. तो यानी ये एंगल कितने का हो गया मेरे पास 60 degree. क्वेश्चन देखिए समझना है आपने. दे आर वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. अ कोण ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोण एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क. देखिए तो आपको पता है ये माइनर आर्क है और ये क्या है मेजर. अब वो क्या कह रहा है, ये उसने इंफॉर्मेशन दे दी आपको. अब वो कह रहा है कि यही कोण मेजर आर्क पे कुछ एंगल सबटेंड कर रही है और कुछ एंगल सबटेंड कर रही है माइनर आर्क, ये वाला यहां पर. ठीक है. यानी आपको क्या क्या निकालना है, जो मेजर आर्क पर एंगल बना रही है वो भी निकालना है और जो माइनर आर्क पर एंगल बना रही है वो भी निकालना है. तो देखिए ये एंगल 60 है, सेंटर पर 60 है, तो रिमेनिंग पार्ट पर क्या रहेगा उसका हाफ. दैट एंगल ACB इज हाफ ऑफ एंगल AOB. ठीक है जी. तो एंगल AOB आप 60 का क्यों ले रहे हैं, बिकॉज OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देयरफॉर ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्री. अब ये 60 है तो रिमेनिंग पार्ट पर क्या रहेगा हाफ. दैट इज एसीबी कितना आ गया 30. एसीबी 30 है तो अब ये देख सकते हैं ये कैसे है. ये चलिए पहले इसकी बात करते हैं. एसीबीडी क्या है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्योंकि आप देख सकते हैं चारों वर्टिसेस कहां आ रहे हैं इसके सर्कल पर. ए सी बी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. और अभी अभी मैंने आपको बताया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180. तो आप देख सकते हैं सी और डी बिल्कुल इसके अपोजिट आ रहे हैं. सो एंगल सी प्लस एंगल डी इज 180. रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो आपको एसीबी यानी सी एंगल तो पता है कितने का है 30 का, तो डी कितने का हो जाएगा 30 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस. सो 180 माइनस 30 दैट एंगल डी इज 150 डिग्री. ठीक है. माइनर आर्क पर एंगल 30 का आ रहा है, सॉरी मेजर पर एंगल 30 का आ रहा है और माइनर आर्क पर एंगल कितने का आ रहा है 150. ठीक है जी. ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस. ये आप में ट्राई करने हैं. इसी तरह से थ्योरम्स आपकी अप्लाई होंगी. राइट. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6. देखिए क्या है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल ए बी सी डी साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल है तो इसके चारों वर्टिसेस कहां होंगे आपके सर्कल पर. हूज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट डी. इसके जो डायगोनल्स हैं
वो किसी ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ई इज नॉट द सेंटर, ठीक है, ये आपका सेंटर नहीं है. इफ एंगल डी बी सी इज 70, डी बी सी यानी कि ये वाला एंगल कितने का है 70, एंड एंगल बी ए सी इज 30, बी ए सी दिस वन 30, फाइंड एंगल बी सी. आपने बी सी डी ये वाला एंगल निकाला है, दिस वन, ठीक है ना, बी सी डी आपने फाइंड किया. तो देखिए ये 30 तो ये भी 30 होगा. हाँ जी, कुछ क्लिक किया लाइन में, यस, एंगल इन सेम सेगमेंट्स. देखिए ये एंगल किससे बन रहा है आपका, बी और सी आर्क से इन द मेजर सेगमेंट, और ये भी किससे बन रहा है, बी और सी आर्क से इन द मेजर सेगमेंट. तो एंगल इन द सेम सेगमेंट मेड बाय सेम आर्क आर इक्वल, ठीक है जी. तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, दैट इज 30 डिग्री. रीजन एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है. अब आपको ये एंगल पता चल गया 30. सो नाउ इन दिस ट्रायंगल, देखिए ये एक ट्रायंगल बन रही है, और ट्रायंगल में हमें पता है तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180. सो इन ट्रायंगल बी सी डी 70 प्लस 30 प्लस एंगल बी सी डी इज 180. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, 70 प्लस 30 100, 100 प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल बी सी डी कितना आ गया आपके पास 80 डिग्री, ठीक है. अब एक एंगल निकाल दिया, अब उसने एक बात आपसे और पूछी है, फर्दर इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी. अब वो कह रहे हैं कि ये सब तो हमने फाइंड कर लिया, अब अगर ए बी किसके इक्वल हो जाए बी सी के, यानी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, देन फाइंड एंगल ई सी डी. आपने ई सी डी ये वाला एंगल निकाला, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है. तो देखिए आप ये पूरा एंगल निकाल चुके हैं 80, ठीक है, क्या गया है वो आपको इसमें. अब देखिए ये ट्रायंगल, लेट वी कंसीडर दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, हमें पता है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल. तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल दिस, और इसके अपोजिट ये 30, ये 30 है तो ये भी क्या देगा 30. दैट एंगल बी सी ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, दैट इज 30. क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल होंगे. एंड यू नो दैट एंगल बी सी डी कितना था 80, फाइंड किया हमने एंगल बी सी डी इज 80, वी नो दैट. तो बी सी डी क्या क्या है, बी सी डी इज एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी. देखिए बी सी डी ये दो पार्ट से मिलके बन रहा है, वन इज दिस एंड वन इज दिस, दैट एंगल बी सी ई प्लस ई सी डी. तो बी सी तो कितना आ गया आपके पास 30, 30 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो एंगल ई सी डी कितना आ गया आपके पास 80 माइनस 30 दैट इज 50 डिग्री, ठीक है. तो क्लास आपने इसके क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है, दैट्स ऑल. आपने अप टू 6 क्वेश्चंस करने हैं इसके.